वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी को बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने एक साथ एक ही दौर में कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे मधुमती, पैगाम, देवदास और नया दौर। दोनों ने एक साथ इन फिल्मों में काम किया है। वहीं दिलीप कुमार लोगों के दिलों की धड़कन थे, तो वैजयंती माला अपनी एक मुस्कुराहट से लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। उस समय आलम ये था कि उनकी फिल्मों को देखने के लिए फैंस की लंबी कतारें लगती थीं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सितारे इंडस्ट्री के उन महान कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से भारतीय हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज भी ये कलाकार लोगों के जहन में रचे और बसे हैं। आप अगर दिलीप कुमार और वैजयंती माला के फैन हैं तो आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। एक बार फिर से वैजयंती माला और दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म मधुमती को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलने वाला है। इस फिल्म के बनने के 60 साल बाद अब फिल्म मधुमती की कहानी को थिएटर के जरिए दिखाया जाएगा। मुंबई के फिल्म डिवीजन थिएटर ने 31 जनवरी को शाम के 6 बजे वैजयंती माला दिलीप कुमार की फिल्म मधुमती को रिक्रिएट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका आयोजन कोई और नहीं बल्कि फिल्म मधुमती के निर्देशक विमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय भट्टाचार्य कर रही हैं। रिंकी चिल्ड्रंस फिल्म एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी हैं। एक इंटरव्यू में रिंकी ने अपने इस अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि लोग मधुमती को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। लोगों के इस उत्साह को देखकर मैंने मधुमती को एक बार फिर से रिक्रिएट करने का मन बनाया। आपको बता दें, मधुमती फिल्म साल 1958 में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई।